मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। इस वीडियो में हम VB.NET और विजुअल बेसिक में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। VB.NET में कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और एक्सेस कंट्रोल जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड फ्रेंड और प्रोटेक्टेड फ्रेंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनमें हम इंट्रोडक्शन टू .NET, कंपैरिजन बिटवीन .NET एंड जावा, आर्किटेक्चर एंड एडवांटेजेस ऑफ .NET फ्रेमवर्क, नेम स्पेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, विजुअल स्टूडियो, एलिमेंट्स ऑफ आईडी, ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं विजुअल बेसिक और VB.NET में? देखिए, पहली जो सिमिलरिटी है वो है बोथ आर केस सेंसिटिव। दोनों केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर केस का मतलब क्या है, अपन जब लिखते हैं इंग्लिश में तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ लिखा हुआ, तो बी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। ऊपर लिखा हुआ है सिमिलरिटीज़ बिटवीन विजुअल बेसिक एंड VB.NET, ये पूरा कैपिटल में, ठीक है। तो केस का मतलब जो कैपिटल लेटर है उसको हम अपर केस बोलेंगे, स्मॉल लेटर को लोअर केस बोलेंगे। अब केस सेंसिटिव में क्या होता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, वो भी केस सेंसिटिव है और VB.NET भी केस सेंसिटिव है। मतलब सीधा सा है कि सिमिलरिटीज़, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ सिमिलरिटीज़, ठीक है, ऐसा कोई मान लीजिए कीवर्ड है इस लैंग्वेज के अंदर, तो वो कीवर्ड है वो कैपिटल लेटर में अपर केस के अंदर लिखा हुआ है अपनी जो प्रोग्रामिंग बनाई है जिसमें कंपाइलर है, और जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर गलती से हमने उसको स्मॉल लेटर में या लोअर केस में लिख दिया तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। कंपाइलर है वो कंपाइल टाइम पर एरर दे देगा, क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल लेटर में ही समझता है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर अपर केस में लिखा हुआ तो अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस में, अगर आपने चेंज कर दिया तो एरर आ जाएगी। ये होता है केस सेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब ये होता है, जैसे लिखा हुआ है विजुअल, VISUAL, तो यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है और आपने मान लीजिए स्मॉल लेटर में लिख दिया VISUAL, ठीक है, सिर्फ स्मॉल टू कैपिटल, कैपिटल टू स्मॉल चेंज किया है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए आपकी, स्पेलिंग तो एकदम सही होनी चाहिए, नहीं तो एरर आएगी। तो इनसेंसिटिव में क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे अपर केस में लिखो चाहे लोअर केस में। तो ये होता है केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव। तो यहाँ पर है विजुअल बेसिक और VB.NET, यहाँ VB का मतलब भी विजुअल बेसिक ही है, दोनों ही केस सेंसिटिव लैंग्वेजेज हैं। बोथ सपोर्ट्स विंडोज एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, दोनों में ही हम विंडोज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। बोथ आर प्रोवाइडेड विद द इंटेलिसेंस फीचर, दोनों के अंदर क्या होता है, इंटेलिसेंस फीचर होता है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों पॉइंट आपने समझ लिए कि दोनों ही केस सेंसिटिव हैं, दोनों ही सपोर्ट करती है विंडोज और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। अब इंटेलिसेंस फीचर क्या होता है? इंटेलिसेंस प्रोवाइड्स द हेल्प फॉर द प्रोग्रामर, ठीक है। तो इंटेलिसेंस किसको हेल्प करता है? प्रोग्रामर को, जो प्रोग्राम बना रहा है, जो इंसान है, ठीक है। तो इंटेलिसेंस जो फीचर है वो कंप्यूटर के काम का नहीं है, वो इंसानों के काम का है, इंसानों के हेल्प करेगा, वो प्रोग्रामर की हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड डिटेल्स अबाउट द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये क्या डिटेल्स प्रोवाइड करता है, जो आर्ग्यूमेंट है हमारा उसकी प्रॉपर्टीज, मेथड्स और डिटेल्स है, उनकी डिटेल प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर को। इट आल्सो कंप्लीट्स योर टाइपिंग, ये जो हमारी टाइपिंग है उसको भी कंप्लीट करता है, इसको बोलते हैं इंटेलिसेंस। इंटेल का मतलब यहाँ इंटेलिजेंट हो गया, सेंस का मतलब वही सेंसिटिव। तो एक तरह से ये प्रोग्रामर की हेल्प करेगा, जैसे आप MS Word के अंदर कुछ टाइप करते हो और आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी,
तो उसमें नीचे एक लाइन आ जाती है उसके अंदर, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि हमारी स्पेलिंग है वो गलत है। तो वैसे ही इसमें फीचर होता है, ये फीचर है, बाकी लैंग्वेजेस में हमने नहीं देखा है। अगर हम जैसे जावा में भी नोट पैड वगैरह में करेंगे तो नहीं है, अगर हम स्पेशल एडिटर यूज़ कर रहे हैं तब तो उसमें जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो डिक्शनरी में ऐड किए हुए हैं, तो हो सकता है वहाँ पर सपोर्ट मिल जाए। लेकिन ये इंटेलिजेंस है वो फीचर या विजुअल बेसिक और वीबी डॉट नेट दोनों में होता है, तो मतलब यहाँ पर गलती होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपको टाइप करते टाइम ही आपको वार्निंग मिल जाती है। तो ये तीन तो थे सिमिलरिटीज, दोनों ही केस सेंसिटिव है, दोनों ही विंडोज और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है, और दोनों में इंटेलिजेंस फीचर है। अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस कौन कौन से हैं। वीबी डॉट नेट और वीबी डॉट नेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, जबकि वीबी है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, ठीक है। ये लगभग सेम सही फीचर होता है इनमें। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट बेस्ड के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इज नीडेड। तो वीबी डॉट नेट के अंदर क्या होता है, जो वेरिएबल का डेटा टाइप है उसका डिक्लेरेशन जरूरी होता है, जबकि विजुअल बेसिक में नोट स्ट्रॉन्गली टाइप्ड, ये नोट स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है, मतलब अगर आप नहीं करोगे डिक्लेरेशन तो भी चलेगा, जैसे पीएचपी के अंदर होता है। स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, तो इसमें जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, जिनकी बारे में हमने बात की थी कि एक्सेप्शन मतलब डिवाइड बाय जीरो कर दिया, या ऐसे डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं उसके लिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करते हैं। जबकि विजुअल बेसिक के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होती है, ठीक है। इसमें हैंडल किस तरीके से होता है, इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं होता है, इसमें सिंपली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उसके जो आगे के स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना जारी रखते हैं। मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वो रुकेगा नहीं, एक्सेप्शन आएगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। नेम स्पेसेज आर यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासेज। तो वीबी डॉट नेट में क्या होती है, क्लासेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेम स्पेस यूज करते हैं। एक नेम स्पेस के अंदर खूब सारी क्लासेज हो सकती है, और वो दोनों वो सारी क्लासेज क्या होती है, रिलेटेड होती है। और विजुअल बेसिक में नेम स्पेस अब वो सपोर्ट नहीं करता है। वीबी डॉट नेट में स्ट्रक्चर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है, जबकि विजुअल बेसिक में यूडीटी, ये हम स्ट्रक्चर की जगह काम में लेते हैं। वीबी डॉट नेट में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन एंश्योर करता है एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अब आगे काम में नहीं आएंगे उनकी मेमोरी लोकेशंस को फ्री कर देता है, ताकि हम वहाँ पर कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा सकें, इसलिए वो मेमोरी को मैनेज करता है। लेकिन विजुअल बेसिक में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है। वीबी डॉट नेट में एडीओ डॉट नेट यूज किया जाता है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, जबकि विजुअल बेसिक में DAO, RDO ये यूज किए जाते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। वीबी डॉट नेट सपोर्ट करती है मल्टी थ्री थ्रेड एप्लीकेशन, ये भी हम देख चुके हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा प्रोग्राम होता है उसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं उसको, तो ये मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन विजुअल बेसिक है वो सपोर्ट नहीं करती है। वीबी डॉट नेट में कौनसोल एप्लीकेशंस हैं,
वो अलाउ है अदर देन विंडोज़ एंड वेब एप्लीकेशंस। विंडोज़ और वेब एप्लीकेशन तो अलाउ है ही, कॉन्सोल एप्लीकेशंस भी अलाउ है, जबकि विजुअल बेसिक में कॉन्सोल एप्लीकेशंस अलाउ नहीं है। न्यू डेटा टाइप्स लाइक कैर, शॉर्ट एंड डेसिमल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें नए डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किए गए, कैर, शॉर्ट और डेसिमल। और विजुअल बेसिक में इंस्टेड ऑफ डेसिमल करेंसी इज सपोर्टेड। यहाँ पर डेसिमल की जगह क्या बोलते हैं, करेंसी। और यहाँ पर कैर और शॉर्ट डेटा टाइप नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। डेसिमल की जगह तो करेंसी होता है और कैर और शॉर्ट की जगह कुछ होता ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करता। वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड ऑन द सेम लाइन। तो वीबी डॉट नेट में क्या है, वेरिएबल्स उनको इनिशियलाइज करते हैं, सेम लाइन पर कर सकते हैं। जैसे कि डिम ए एज इंटीजर इक्वल टू 100, जहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है डिम ए एज इंटीजर, वहीं पर इक्वल टू का साइन लगा के, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसमें 100 वैल्यू भी डाल दी, जबकि विजुअल बेसिक में ऐसा नहीं होता है। वीबी डॉट नेट में ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है, विजुअल बेसिक में वेरिएंट डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट वीबी डॉट नेट में फिक्स लेंथ स्ट्रिंग आर नॉट अलाउड, और विजुअल बेसिक में फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स आर सपोर्टेड। वीबी डॉट नेट में एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है जीरो से, जैसे कि हर लैंग्वेज में होता है। विजुअल बेसिक में यूजिंग ऑप्शन बेस स्टेटमेंट वी कैन चेंज द एरे इंडेक्स। तो विजुअल बेसिक में एरे का इंडेक्स है वो हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग बेस स्टेटमेंट। वीबी डॉट नेट कंपाउंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, असाइनमेंट, माइनस असाइनमेंट, स्टार, डिवीजन, बैकस्लैश, एम्परसेंट आर अलाउड, ठीक है। तो ये कंपाउंड अरिथमेटिक हम पहले पढ़ चुके हैं, हर एक लैंग्वेज में रहते हैं ये। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखो प्लस असाइनमेंट है, तो इसमें क्या होता है, दोनों को कंपाउंड कर दिया है, तो ये टाइपिंग अपनी बच जाएगी प्रोग्रामर की। लेकिन ये कंपाउंड अरिथमेटिक, मतलब दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, प्लस और असाइनमेंट, इनको एक जगह कर दिया कंपाउंड, विजुअल बेसिक में ये सपोर्ट नहीं करता है। सेट कीवर्ड इज नॉट नीडेड टू असाइन ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स असाइन करने के लिए सेट कीवर्ड की जरूरत नहीं है वीबी डॉट नेट में, विजुअल बेसिक में सेट कीवर्ड हम यूज करते हैं। पैरामीटर्स टू दी प्रोसीजर्स आर पासिंग बाय वैल्यू बाय डिफॉल्ट। तो प्रोसीजर को जो पैरामीटर पास करते हैं वो बाय डिफॉल्ट बाय वैल्यू पास होते हैं, और विजुअल बेसिक में पास बाय रेफरेंस होते हैं। वीबी डॉट नेट में डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल्स आर नॉट अलाउड, और विजुअल बेसिक में डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अलाउ होती है इफ वी राइट टेक्स्ट वन अलाउड। टेक्स्ट एल अलाउड। वीबी डॉट नेट में लेट एंड सेट प्रोसीजर्स आर एनकैप्सुलेटेड इन अ सिंगल ब्लॉक विथ सम चेंजेज इन द कीवर्ड, जबकि विजुअल बेसिक में बोथ आर डिफरेंट प्रोसीजर्स। वीबी डॉट नेट में पेरेंथसिस आर रिक्वायर्ड फॉर कॉलिंग द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस वेदर दे एक्सेप्ट एनी पैरामीटर और नॉट। विजुअल बेसिक में पेरेंथसिस आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फंक्शन, ठीक है। तो वीबी डॉट नेट में क्या होता है कि जो प्रोसीजर होता है या फंक्शन होता है, दोनों में ही हमें पेरेंथिसिस जो ब्रैकेट लगाते हैं वो ज़रूरी होता है, चाहे कोई पैरामीटर पास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन वीबी में क्या होता है, पेरेंथिसिस सिर्फ फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोसीजर के लिए नहीं होते। वीबी डॉट नेट में रिटर्न कीवर्ड इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू रिटर्न द वैल्यूज एंड फंक्शन नेम्स।
विजुअल बेसिक में फंक्शन नेम इक्वल रिटर्न वैल्यू इज यूज्ड। वीबी रोटेट में असाइनमेंट ऑपरेटर रिटर्न वैल्यू इज आल्सो यूज्ड इन वीबी डॉट नेट। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड विद द डिफॉल्ट वैल्यू। और विजुअल बेसिक में दिस इज नॉट ए केस इन वीबी, यहाँ पर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं। डेटा टाइप सपोर्टेड इन वीबी डॉट नेट, कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं? तो यहाँ पर देखिए नंबर डेटा टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हो गया हमारे पास बाइट। बाइट क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट इंटीजर टाइप होता है, अनसाइंड वन बाइट टाइप, इट कवर्स वैल्यूज फ्रॉम -128 to 127। तो देखिए वन बाइट होता है, अनसाइंड और साइंड क्या होता है? अनसाइंड का मतलब क्या होता है? इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होगी जीरो से लेके, साइंड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी आती है। तो यहाँ पर अगर हम साइंड लेंगे तो -128 to 127 रहेगा, और अगर अनसाइंड लेंगे तब क्या होगा? जो -128 है उसको प्लस करके 127 कर दो, तो 127 प्लस 128 255 हो जाएंगे, 0 से 255, क्योंकि सिर्फ उसमें पॉजिटिव वैल्यू जाएगी 0 से स्टार्ट। सॉर्ट होता है वो 2 बाइट का होता है, तो उसकी रेंज भी निकाल लेंगे हम। इंटीजर 4 बाइट का होता है, लॉन्ग 8 बाइट का, सिंगल 4 बाइट, डबल 8 बाइट और डेसिमल 16 बाइट। फिर आता है कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप है उसको हम काम में लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। जैसे कैर सपोर्ट करता है यूनिकोड कैरेक्टर। साइज होती है इसकी 2 बाइट, रेंज होती है 0 से 65,535। दिस इज़ अनसाइंड वन, इट इज़ अ न्यू डेटा टाइप इंट्रोड्यूस्ड इन डॉट नेट। तो ये क्या है? डॉट नेट में नया डेटा टाइप है, ये विजुअल बेसिक में नहीं होता। स्ट्रिंग, इट स्टोर्स अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसमें लगभग 2 बिलियन यूनिकोड कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अदर डेटा टाइप्स में है बूलियन, 2 bytes एंड वैल्यू रेंज फ्रॉम ट्रू और फॉल्स। डेट 8 bytes, ऑब्जेक्ट 4 byte, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट उसको स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर होता है वेरिएंट डेटा टाइप ऑफ विजुअल बेसिक। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और स्ट्रक्चर, साइज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द डेटा मेंबर। तो यूजर डिफाइंड में हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, और स्ट्रक्चर की साइज डिपेंड करती है उसमें कितने डेटा मेंबर्स हैं उस पर। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है डेटा टाइप की? द डिफॉल्ट डेटा टाइप इन वीबी डॉट नेट इज ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप होता है डिफॉल्ट टाइप। द डिफॉल्ट वैल्यू आर 0 फॉर ऑल न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, बाइनरी 0 फॉर कैर टाइप, फॉल्स फॉर बूलियन एंड नथिंग फॉर ऑल रेफरेंस टाइप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट का मतलब अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो किसी वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी? हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, अब उसका हमने उसकी वैल्यू प्रिंट कराई तो क्या टाइप करेगा? तो इस केस में क्या होता है, जितने भी न्यूमेरिक है हमारे पास जिसमें डेसिमल, इंटीजर, सॉर्ट सारे आगे, उनकी 0 होती है। कैर में बाइनरी 0 हो जाता है, बूलियन में फॉल्स हो जाता है, और बाकी जो रेफरेंस है उनमें नथिंग हो जाता है। अब देखिए ये सब में 0 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। तो जो भी मेमोरी लोकेशंस जो काम में नहीं आ रही है उनको सबको खाली कर देता है। तो
खाली करेंगे तो या तो जीरो रहेगा या नल रहेगा उसमें, ठीक है। अगर सेम आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की बात करें सी और सी प्लस प्लस में, तो उनमें गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है ऑटोमेटिकली, इसलिए उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू है वो प्रिंट करेगा जो पहले की उस पर वैल्यूज पड़ी है वो वैल्यूज। अब आता है एक्सेस कंट्रोल। क्लासेज के अंदर हम डेटा मेंबर्स बनाते हैं, फंक्शंस, प्रोसीजर्स और वेरिएबल्स बनाते हैं, तो उनको कौन एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है ये डिसाइड करने के लिए हमने कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स बनाए हैं, एक्सेस कंट्रोल्स भी बोलते हैं इनको। ये डिटरमाइन करते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ दी वेरिएबल। एनकैप्सुलेशन हमने फीचर पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का, वो लिंक करता है डेटा को कोड के साथ। कोड कौन सा? जो उसको काम में लेगा डेटा को, जो उसको मैनिपुलेट करेगा। एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स एन एक्सेस कंट्रोल। तो एनकैप्सुलेशन में क्या होता है? एक एक्सेस कंट्रोल होता है, क्योंकि एनकैप्सुलेशन का मतलब सब कुछ एक कैप्सूल के अंदर है, डेटा और कोड। अब कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि जिनको हम नहीं चाहते कि उस क्लास के बाहर कोई एक्सेस करे, कुछ चाहते हैं कि उनको सब कोई एक्सेस करे, कुछ वेरिएबल्स को हम चाहते हैं कि सिर्फ उनकी चाइल्ड क्लासेज एक्सेस करें, कुछ को सिर्फ उनके फ्रेंड एक्सेस करें, तो इनके लिए एक्सेस कंट्रोल्स है अलग अलग। बाय कंट्रोलिंग एक्सेस अलाउइंग एक्सेस टू डेटा ओनली थ्रू अ वेल डिफाइंड मेथड, ए मेंबर कैन बी एक्सेस्ड बाय द एक्सेस स्पेसिफायर दैट मॉडिफाइज डिक्लेरेशन एंड डिटरमाइन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा मेंबर। पब्लिक, पब्लिक में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सेसिबिलिटी। पब्लिक के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। पब्लिक नॉर्मली, पब्लिक जो वर्ड है उससे हम समझते हैं पब्लिक के लिए अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ पब्लिक के लिए क्या अवेलेबल है, तो हम नाम बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस बस के अंदर कोई भी उसमें बैठ सकता है। ट्रेन के अंदर कोई भी बैठ सकता है, प्लेन के अंदर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं उनमें। दे कैन बी एक्सेस्ड एनी वेयर विथ इन द प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स। तो जब प्रोग्रामिंग में बात करें तो इसका मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने किसी वेरिएबल को या प्रोसीजर को, फंक्शन को पब्लिक बना दिया, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट के बाहर दूसरे प्रोजेक्ट भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज ओनली एट मॉड्यूल लेवल और नेम स्पेस लेवल बट नॉट इन द प्रोसीजर। तो ये यूज किया जा सकता है मॉड्यूल लेवल पर और नेम स्पेस लेवल पर, ठीक है, बट नॉट इन द प्रोसीजर। प्राइवेट, इट प्रोवाइड्स हायर ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें हायर ऑर्डर प्रोटेक्शन होती है। दे कैन बी एक्सेस्ड ओनली विथ मॉड्यूल लेवल और नेम स्पेस लेवल। तो ये एक्सेस किया जा सकते हैं मॉड्यूल लेवल पर और नेम स्पेस लेवल पर। दे कैन बी एक्सेस्ड ओनली विथ देयर डिक्लेरेशन कंटेंट विथ ओनली मॉड्यूल लेवल और नेम स्पेस लेवल। दिस इज नॉट सपोर्टेड विथ इन द प्रोसीजर। तो प्राइवेट के अंदर क्या होता है कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें बस में आप बैठ गए, लेकिन किसी पर्सनल कार है तो उस पर्सनल कार में आप नहीं बैठ सकते किसी में, ठीक है। वैसे ही दूसरी पर्सनल जो चीज़ें होती है, प्राइवेट चीज़ें होती है, उनको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड, VB.NET सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। दिस स्पेसिफायर गिव्स द स्कोप फॉर द चाइल्ड क्लास। अब प्रोटेक्टेड क्या दोनों के बीच का आ गया, पब्लिक के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट के अंदर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या होगा, जो चाइल्ड क्लासेज है वो एक्सेस कर सकती है। मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर ओन क्लास और डिराइव्ड क्लास फ्रॉम दैट क्लास। दिस कैन बी अलाउड ओनली एट क्लास लेवल। ये सिर्फ क्लास लेवल पर होता है, और डिराइव्ड क्लास वो एक्सेस कर सकती है। तो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में ये लेवल आ गया।
ठीक है, किसी के पर्सनल कार है तो वो अपनी कार में अपने बच्चों को तो बैठाएगा ना। फ्रेंड, दिस फ्रेंड एक्सेस मीन्स दैट दे आर एक्सेसिबल विथ इन द सेम प्रोजेक्ट बट नॉट आउटसाइड द प्रोजेक्ट। फ्रेंड में क्या होता है, सेम जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो हम एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो यूज इन द मॉड्यूल क्लास लेवल बट नॉट इन द प्रोसीजर। अब फ्रेंड में क्या होगा कि किसी की पर्सनल गाड़ी है, वो जा रहा है और रास्ते में उसका कोई दोस्त मिल गया, फ्रेंड मिल गया, तो फ्रेंड को तो बैठाएगा वो, तो फ्रेंड तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन कोई अनजान आदमी है उसको नहीं बैठाएगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड। तो वहीं पर क्या होता है, जो सेम प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो फ्रेंड्स को एक्सेस किया जा सकता, उससे बाहर नहीं किया जा सकता, और जो उसका फ्रेंड होगा वही एक्सेस कर पाएगा। फिर आता है प्रोटेक्टेड फ्रेंड। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोटेक्टेड एंड फ्रेंड एक्सेस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोटेक्टेड और फ्रेंड का। दिस इज एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम द सेम प्रोजेक्ट और डिराइव क्लासेज और बोथ। दिस स्कोप इज अलाउड ओनली एट क्लास लेवल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसको एक्सेस कर सकते हैं सेम प्रोजेक्ट में या फिर डिराइव क्लास के द्वारा या फिर दोनों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।